नो नेक्स्ट इज वी विल स्टडी द वेरिएशन ऑफ जी. हम देखेंगे जी किस तरह से चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ. अपने हमने हाइट पे स्टडी किया था ना, अब हम डेप्थ पे स्टडी करेंगे. डेप्थ मतलब आप डी डेप्थ नीचे जाओगे तो क्या चेंज होगा, वेरिएशन क्या आएगी उसमें जी में. लेट एम इज़ अ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ. मान लिया हमने एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है. कंसीडर वही सेम पॉइंट ले लेंगे. आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, ए पॉइंट ले लिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. लेट ए पॉइंट पर ग्रेविटी कितनी है, स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन. नाउ सपोज अर्थ की डेंसिटी कितनी है, अर्थ जिस मटेरियल से बनी हुई है ना उसकी डेंसिटी हमने रो ले ली. क्या ली हमने, रो. आपको फॉर्मूला पता है मास का, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³. डेंसिटी हमने क्या ले ली, अर्थ की, रो. तो m कितना आ जाएगा, 4/3 πr³ इंटू रो. बेसिकली क्या हो रहा है, हम क्यों मास की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पिछले टॉपिक में हमने नहीं की थी. हम जैसे डेप्थ पे आएंगे ना, डेप्थ पे अगर हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ मास ये हो जाएगा, अर्थ के अंदर आ रहे हो तो मास चेंज हो रहा है ना. जब आप अर्थ के यहाँ पर हो, यहाँ पर हो तो बेसिकली आप इतनी अर्थ पे हो, यहाँ मास इतना. जब आप यहाँ आ गए तो आप यहाँ आ गए ना, ये स्फेरिकल बॉडी बन गई, यस सर, इस पॉइंट पर. तो यहाँ मास इतना है, यहाँ पर मास इतना था. तो जैसे आप डेप्थ पे आओगे ना, अर्थ के अंदर आ रहे हो, तो मास चेंज हो रहा है, तो आप मास की वैल्यू को पुट करोगे. तो इस वजह से मास की वैल्यू को पुट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³. डेंसिटी आपने रो ले ली, पुट कर दो इसको यहाँ पर इक्वेशन वन में, तो क्या आ जाएगा, जी मास की जगह आपने पुट किया 4/3 πr³ इंटू रो, और अपॉन में क्या है आपके पास, आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो ऊपर क्या रह गया आपके पास, आर. तो सॉल्व करके क्या आया, 4/3 πr g एंड देन रो. मेक इट एज इक्वेशन नंबर टू. अब क्या करो, डी डेप्थ नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. कितनी डेप्थ नीचे आ जाओ, डी डेप्थ नीचे आ जाओ, और यहाँ पर पॉइंट ले लो बी. सपोज इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी है, जी डैश. मान लो इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी है, जी डैश, ठीक है. अब जी डैश की वैल्यू निकालो. जी डैश क्या होगा, जी, अब मास चेंज होगा ना क्योंकि आप डेप्थ पे आ रहे हो. लेट दिस मास बी एम डैश, और रेडियस भी चेंज हुआ. पहले यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे रेडियस कितना था, आर. अब यहाँ पर पॉइंट लिया तो यहाँ पर रेडियस कितना हुआ, देखो यहाँ पर थे आप, यहाँ पर रेडियस था आर. डी डेप्थ नीचे आए तो ये रेडियस कितना रह गया, डी डेप्थ नीचे आया था ना, तो कितना बच गया, ये आर माइनस डी. ये टोटल कितना था, आर. डी आप नीचे आए तो तब कितना बचा, ये आर माइनस डी. तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर मास हुआ एम डैश, और रेडियस कितना हुआ, आर माइनस डी का होल स्क्वायर. यही था फॉर्मूले में, यही पुट किया, जी मास, और अपॉन में क्या होता था, डिस्टेंस कितना हो गया, आर माइनस डी का स्क्वायर. बेसिकली डिस्टेंस भी क्या, रेडियस ही होता होता था. अब देखो, अब हम एम डैश की वैल्यू पुट करेंगे. एम डैश का फॉर्मूला क्या होगा, एम डैश का फॉर्मूला था मास, मास का था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब मैंने क्या कहा, इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे देखो वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम होगा ना इस पॉइंट पे. अब ए पॉइंट लेते थे तो ये पूरा अर्थ ले लेते होते थे, अब बी पॉइंट पे ये अर्थ होगी, इतना पोर्शन रह गया अर्थ का आपके पास, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 π. यहाँ रेडियस कितना बचा आपके पास, आर माइनस डी बचा था ना, ये कितना था आर, ये देखो पूरा आर था, डी चला गया तो कितना बचा, आर माइनस डी. तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी तो मटेरियल की वही रहेगी, 4/3 π. आर की जगह यहाँ आर किया था, यहाँ पर पुट करेंगे आर माइनस डी की होल क्यूब. पुट करो इसको तो मास आ गया आपके पास एम डैश, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आया, जी. एम डैश की जगह वैल्यू पुट की 4/3 π आर माइनस डी की होल क्यूब अपॉन रो, और अपॉन में क्या था, आर माइनस डी का होल स्केयर. होल स्केयर से एक कट गया, 3³ कट गया, तो क्या बचा, आर माइनस डी. मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 4/3 π g आर माइनस डी इंटू रो. 4/3 π g आर माइनस डी इंटू रो. मेक इट एज इक्वेशन नंबर 3. अब आपने क्या करना है, जी डैश और जी को कंपेयर करना था ना, 3/2 करो. आपने इसको जी निकाला था, इसको 2 इक्वेशन कहा था, और इसको क्या कहा था आपने, 3/3. सॉल्व करो क्या आएगा, वैल्यूज पुट करो. जी डैश की वैल्यू 4/3 π g r माइनस डी रो,
और जी की वैल्यू क्या थी, 4 बाय 3 पाई r जी रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, आपके पास बचा r माइनस डी बाय आर। ओके, एक बार r को इसके नीचे ले जाओ, 1 हो गया। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, r बाय आर माइनस डी बाय आर लिख सकते हैं इसको, r बाय आर इज़ 1 एंड इधर क्या बचा, d माइनस आर। जी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, जी डैश बाय जी था ना, तो जी को इधर ले जाओ, जी डैश क्या आ जाएगा, जी इंटू 1 माइनस डी बाय। अब देखो इसको मैं खोलने लगी हूँ, क्या आएगा, जी माइनस जी डी बाय आर। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, जी माइनस जी डी बाय आर, दिस इज़ लेस देन जी, ऑफकोर्स इसमें से जी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जी से तो कम ही होगी, मीन्स जी डैश की वैल्यू जी से तो कम है, जी डैश इज़ लेस देन जी। मीन्स अगर आप डेप्थ पे आते हो तो भी ग्रेविटी कम होती है, हाई पिछले टॉपिक में आपने किया, हाइट पे जा रहे हो तब भी ग्रेविटी कम होती है, तो ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पर। तो मतलब अगर आप अर्थ की सरफेस पे खड़े होते हैं, यहाँ ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, आप अर्थ की सरफेस के ऊपर जा रहे हो तब भी ग्रेविटी कम हो रही है, नीचे आ रहे हो तब भी ग्रेविटी कम हो रही है। अब बात आती है सेंटर पर, मान लो आपने बी पॉइंट सेंटर पर लिया होता, जब आपने बी पॉइंट सेंटर पर लिया तो डी इज इक्वल टू आर होगा ना, आप पहले डी डेप्थ नीचे आए थे, मान लो आपने सेंटर पे आना है तो कितनी डेप्थ नीचे आओगे, डी मस्ट बी इक्वल टू आर। अब आपने सेंटर पे अगर ग्रेविटी निकालनी है तो डी को यहाँ फॉर्मूले में क्या पुट करोगे, आर, तो 1 माइनस डी की जगह क्या पुट करोगे, आर जी 1 माइनस डी की जगह आपने क्या पुट किया, आर, आर अपॉन आर इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो ग्रेविटी कितनी आ गई, 0। तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, 0, इट इज़ मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। थैंक यू।